श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरद पूर्णिमा इस बार 16 तारीख को व्रत रखे या 17 तारीख, इस बारे में बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। कुछ सरल उपाय भी गुरुजी के इस वीडियो में जानेंगे जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे, दुख दरिद्रता का नाश कर धन संपदा में वृद्धि करेंगे। आप जानते होंगे यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा जानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी कार्य चंद्र देवता को प्रसन्न करता है और साथ ही महादेव और श्री नारायण सत्यनारायण भगवान माँ लक्ष्मी की असीम कृपा घर परिवार पर बनाता है। परंतु दो दिन पूर्णिमा होने के कारण भक्तजनों में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है कि व्रत किस दिन रखे। जो खीर रखनी होती है पूर्णमासी की, वह हमें कब रखनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुजी के उपाय की। गुरुजी कहते हैं चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आप सभी को इस दिन शिवलिंग पर, भले ही घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में विराजमान शिवलिंग हो, मात्र चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप सभी को अपने घर से लेना है एक परिपूर्ण चावल। चावल जो है वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। बेलपत्र आप सभी विशेष तौर पर चाहे तो चंदन लगी हुई ले सकते हैं, अपने हाथ से लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। सबसे पहले घर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद एक बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो है उसके ऊपर एक चावल का दाना चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। इससे धन धान्य में बरकत होगी और परिवार में खुशियों का आगमन आना आरंभ हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय की तरफ। उससे पहले पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है? जैसे कि शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी का इस दिन जन्म हुआ था ऐसा शास्त्रों में कहते हैं, और साथ ही इस दिन चंद्र देवता जो है धरती के सबसे करीब होते हैं। अगर नया पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से शुरू कर लीजिएगा। भाग्य बदलते और समय बदलते देर नहीं लगेगी, यह लिखित रूप में गारंटी है। पति बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो आपको शरद पूर्णिमा का व्रत, भले ही साल भर में आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको शरद पूर्णिमा का व्रत उपवास करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य बदल जाएगा इस बात की गारंटी है। शास्त्रों में पूर्णिमासी के बराबर कोई व्रत नहीं कहा गया है, इतना श्रेष्ठ व्रत है, तो आपको पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहिए। साल भर में नहीं भी करवाते हैं तो भी इस शरद पूर्णिमा को कर लीजिएगा। आप इसे अश्विन पूर्णिमा के रूप में भी संबोधित करते हैं, कोजागर पूर्णिमा के रूप में भी कहा जाता है। तो रात्रि का बहुत महत्व है इस दिन, चंद्र उदित का बहुत महत्व है। तो पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 के आसपास। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर बुधवार शाम 4:56 के आसपास। ऐसे में दोनों तिथियों में पूर्णिमा व्याप्त है, तो हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए? कई लोग कह रहे हैं 17 को रखें, कई लोग कह रहे हैं 16 को रखें, परंतु मेरे पास जो पंचांग है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 16 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा, सत्यनारायण व्रत किया जाएगा, और इसी दिन जो है खीर आपको छत में रखनी होगी। 17 तारीख को तो जो चंद्र देवता से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही जो है जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है तभी जो है शरद पूर्णिमा का महत्व कहा गया है। तो 17 तारीख को शाम 4:56 में ही पूर्णिमा समापन की ओर है, तो ऐसे में 16 तारीख को अमृत वर्षा होगी रात्रि को, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रात को ही व्याप्त है और रात को ही हमें खीर रखनी है और रात को ही चंद्रदेव का पूजन पूर्णमासी तिथि में होता है। तो संपूर्ण नियम के आधार पर 16 तारीख को ही व्रत करना और छत पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। इससे ज़्यादा आप अपने आसपास पंडित जी से पूछ लीजिएगा, YouTube में भी और आसपास जितने पंडित जी हैं या मेरे पास जो पंचांग है सभी का मैंने वीडियो सोचा समझा देखा, उसके बाद यही पाया है कि अधिकतर जो व्यक्ति कह रहे हैं बहुमत जिसमें हो रहा है वह 16 अक्टूबर बुधवार का ही हो रहा है, क्योंकि रात्रि को पूर्णिमा तिथि व्याप्त है और रात्रि में ही इस पूजा का विधान है, क्योंकि चंद्र देवता इस दिन के स्वामी कहे जाते हैं, तो वह अच्छी स्थिति में वह पूर्ण अवस्था में 16 को ही हैं। तो ऐसे में 16 तारीख को ही आप व्रत करें। आपको खीर रखने का शुभ समय बताते हुए चलूं, 16 अक्टूबर बुधवार रात्रि को खीर रखने का शुभ समय 8:41 के बाद आपको यह कार्य करना है, क्योंकि इसके बाद ही पूर्णिमा व्याप्त हो रही है। अब आप सभी को इस दिन
कैसे यह उपाय करना है खीर का और कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, ध्यान से सुनिए। अब आप सभी इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, हमेशा पूर्णिमा के दिन लाल या पीले रंग के कपड़े चुनें, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, प्रत्यक्ष देवता है, उसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, लक्ष्मी मैया की असीम कृपा होती है। लंबी बत्ती का घी का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय माँ लक्ष्मी कहते हुए लगाएं पीपल वृक्ष में, संभव हो तो 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की जरूर से करें। उसके बाद आप अपने घर पर आकर सत्यनारायण व्रत की कथा भले ही रात को सुने भले ही दिन में सुने, घर पर माता लक्ष्मी के समक्ष दीप लगाएं और साथ के साथ गुरु जी कहते हैं जल के लोटे में कमल गट्टा 5 बेलपत्र डालकर आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे रक्त संबंधी परेशानी दूर होती है, मांगलिक दोष कटते हैं, धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी से जुड़ा होता है तो घर के मंदिर में कमलगट्टा मिश्रित जल जल के लोटे में डालें, 5 बेलपत्र डालें, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए साधारण सरल तरीके से महादेव की उपासना करें, खीर बनाएं। इस दिन खीर का बहुत अधिक महत्व है, जितना कहा जाए उतना कम है। अब खीर बनने का एक तरीका होता है, आजकल स्वाद की अनुभूति में अर्थात हमें अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छा फ्लेवर चाहिए, इसके लिए ड्राई फ्रूट डालते हैं, केसर डालते हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपसे संभव हो तो खीर बनने के बाद खीर ठंडी हो जाए तो उसमें चांदी का सिक्का जरूर से डालिएगा, अन्य वस्तु कुछ भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कई भक्तजन तुलसी का पत्ता डालते हैं, वह भी बहुत शुभ है, अच्छी बात है, परंतु ड्राई फ्रूट वगैरह यह बाद में चलन की चीज़ें हैं, आप अपने स्वाद के लिए डाल सकते हैं। परंतु जो इस दिन खीर बनानी होगी वह गौ माता के दूध की और चावल की खीर बनेगी, सिवई की खीर, साबुदाने की खीर, इनकी महत्वता पूर्णिमा के दिन नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर के मंदिर में दीपक लगाकर महादेव को जल चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के बाद, तुलसी माता पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद, आप सभी जो खीर बनाए हैं सुबह या रात्रि को सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे सभी देवी देवताओं को भोग, फिर एक पतीले में या एक डब्बे में जैसे भी हो आपको उसे का मुख बांधना होगा, किसी सफ़ेद परत जा रहा था छलनी के जैसा कोई कपड़ा हो पतला उससे मुख बांधे और चंद्रमा की रोशनी में अपनी बालकनी में छत में इसे रख कर आए। पूरी रात इसे रख देते हैं तो बहुत अधिक शुभ है, पूरी रात नहीं रख पाते हैं तो आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी डायरेक्ट चंद्रमा की रोशनी में इसे रख देंगे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 17 तारीख को इसे ग्रहण कर लेंगे तो पूरे परिवार के रोग दोष संकट कष्ट इससे कट जाएंगे और जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। यकीन मानिए इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, कौन कौन जाग रहा है और माता लक्ष्मी की आराधना कर रहा है, दीपदान कर रहा है, खीर बना रहा है, माँ के मंत्रों को स्मरण कर रहा है, इसके लिए माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा, भाग्य बदल जाएंगे और सारी जो मनोकामना है वह निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। साथ के साथ आप सभी को जो आपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगा रखा है उसे किसी कन्या को दे देते हैं या सुहागिन महिला को देते हैं तो अद्भुत सुख इसका मिलता है। शरद पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसे माना जाता है। तो आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर शाम को जब चंद्र देवता दिखाई देने लगे तो आप सभी को जो मैंने समय बताया 8:41 के बाद जल के लोटे में सफ़ेद फूल, कुछ शक्कर मीठा डालकर, थोड़ा कच्चा दूध डालकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर देना है अर्थात जल जरूर से चढ़ाना है। गर्भवती महिला भी चंद्रमा की रोशनी में सीधे अपने पेट के अर्थात पेट में चंद्रमा की रोशनी डलवाती है अर्थात पड़वाती है अर्थात जो भी उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करती हैं तो इससे बच्चे के आने वाले रोग दोष संकट कष्ट से भी मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। नेत्र संबंधी विकार हैं तो भी चंद्र देवता के आपको दर्शन करने चाहिए डायरेक्ट, इससे भी बहुत सुख मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन मिलता है। 16 को व्रत किया जाएगा, 17 तारीख को दान पुण्य और पूजा आराधना का पर्व रहेगा, जहाँ तक संभव हो 16 को व्रत करें, 17 को भी कई क्षेत्रों में व्रत किया जा रहा है आप भी कर सकते हैं, परंतु जो खीर वगैरह रखने का प्रावधान है वह 16 को ही होगा, 17 को आपके क्षेत्र में व्रत कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, दान पुण्य वगैरह करने का भी इस दिन जो है समय है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, पूरे दिन पूर्णिमा तिथि है, आप अपनी क्षेत्र इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्य कीजिएगा। मैंने जो ज्ञान था, जो मेरे पास पंचांग है, जो मैंने अधिकतर लोगों की वीडियोज और उपाय नियम सुने हैं वही आप सभी तक साझा किए। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, जय माता दी कमेंट्स में लिखना ना भूलें।